अभी मैं अपने गांव में हूँ, मुसटोली जिसको बोलते हैं, जहाँ पे मुसहर समाज के लोग रहते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ रमेश्वर माझी हैं, शिव हैं, उपेंद्र हैं और बहुत सारे लोग जिनसे मैं मिला, जिनके साथ मैं कभी बचपन में खेलता था। और आज मुझे मौका मिला कुछ समय बिताने का इन लोगों के साथ और मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे सामने अभी रूबी है जो शिव की बच्ची है, उसने अपनी पढ़ाई की और इंटर तक पास किया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये समझ के कि हमारे घर में, अपने घर में तो जो पढ़े लिखे थे ही ये लोग, हमारे सो कॉल पुराने पूर्वजों ने इनको घर में दिया था, बसाया था, लेकिन अब तो वो समय ख़त्म हो चुका है और हम और वो दोनों बराबर हैं। तो आज मैं आपका इंटरेक्शन रूबी से कराऊंगा और रूबी जो है इसने इंटर की पढ़ाई की है और मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर टोली में ये पहली लड़की है जिसने 10th भी पास किया और 12th भी पास किया है। तो इससे बड़ा एक सामाजिक चेंज मुझे अभी तक नज़र नहीं आया है अपने विलेज में और इसको देख के मैं बहुत उत्साहित हूँ और बहुत अंदर से सेटिस्फाइंग महसूस कर रहा हूँ कि हमारे अपने घर की बच्ची जो कभी जहाँ से कोई सोच नहीं सकता था कि स्कूल जाएगा कोई बच्चा, वहाँ से इसने 10th किया, उसके बाद 12th किया, अब इसकी शादी भी हो गई है, इसके जो हस्बैंड हैं वो भी पढ़े लिखे हैं। तो लेट्स सी एंड मीट रूबी। रूबी जरा आप बताइए अपने बारे में, आप की पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मैट्रिक तक पढ़ाई की है आपने और उसके बाद फिर आगे पढ़ने का भी इरादा है? बहुत अच्छा। और रूबी अभी आप पढ़ाई करने के बाद आपको लगता है कि आपको नौकरी मिल सकता है? मिल सकता है। तो अब आप कहाँ शादी हुई है आपकी? सैदपुर हुआ है। तो आपके जो पति हैं वो भी पढ़ाई लिखाई किया है? कहाँ तक पढ़ाई किया उन्होंने? इंटर पर तक पढ़ाई किया है। तो अब वो भी नौकरी खोज रहे हैं या कुछ करते हैं? काम करते हैं। और बिहार में ही रहते हैं या कहीं बाहर जाके काम करते हैं? बाहर। कहाँ है? जयपुर में है। अच्छा, और आपके बच्चे भी हैं? अभी नहीं है। चलो बहुत अच्छा रूबी। आपसे और आपको जब आप पढ़ाई करते थे तो आपके बाबूजी ने या आपके बाबा ने या आपके दो जो ये देखिए ये आपके दोस्त फैमिली के लोग हैं, क्या इन लोगों ने आपकी सहायता की, मदद की कभी? बहुत मदद की। बहुत अच्छा। तो अब देखिए ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये। आप तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो टोली है इसको मुसहर टोली बोलते हैं। बहुत पहले जो सबसे एक तरह से समझिए एक तबका है जो मूसा मार के खाता था, चूहा मार के खाता था। अब वो तबका देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं और बहुत ही एक माहौल ऐसा है, लोग घूरा ताप रहे हैं, कुछ लोग ताड़ी भी पी रहे हैं। और देखिए ये गांव का ये कस्बा है जिसमें करीब 500 लोग रहते हैं और इन लोगों को डेवलपमेंट कराने के लिए सरकार के तरफ से जो फंड आती हैं वो मुखिया सरपंच ये सब मिलके खा जाते हैं और इन लोगों तक कुछ पहुंचता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार इस तरह के सोसाइटी को एक फोकस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम देने की कोशिश करे, बच्चों को इन्वॉल्व करे। ये अभी मैं रमेश्वर माझी हैं, अभी मैं उनसे बात कर रहा था तो ये बता रहे थे कि लोग जो हैं यहाँ पे बच्चे लोग जो हैं स्कूल जाते हैं लेकिन रास्ते में ही जो बगीचा है उसमें खेलने लगते हैं और शाम में वापस आ जाते हैं और स्कूल पहुँच कभी नहीं पहुँच पाते। तो ऐसी स्थिति में ये तो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर लोग हैं, तो इनको कौन देखेगा? ये बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं वहाँ जाके वहाँ पे घर में घुसने के बाद बाहर निकलने के बाद घर से निकलने के बाद वो स्कूल के लिए जाते हैं लेकिन स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं। और देखिए मास्टर लोगों को जो टीचर्स हैं, पुराने समय में टीचर्स आके कंसर्न रखते थे, आते थे, पूछते थे कि आपका बच्चा नहीं आया, लेकिन अब इतनी भीड़ हो गई है एक स्कूल में कि बच्चे पे फोकस नहीं कर पाते टीचर, फैसिलिटीज़ नहीं हैं और ज़्यादातर जो टीचर हैं या जो समाज के जो लोग हैं या जो कमेटी में जो लोग बैठे हुए हैं
वो जो मिड डे मील मिलता है उसका कमीशन और गंदा मील देने के प्रोसेस में लगे रहते हैं, सारा समय उसी में बिताते हैं और पढ़ाई लिखाई के नाम पे नदारत है। तो रमेश शर्मा जी यही बता रहे थे कि ऐसे समस्या को हम कैसे हल कर सकते हैं। जरा रमेश जी बताइए, तो आपको लगता है कि सरकार को, समाज को इसके बारे में कुछ करना चाहिए? ये शासन है ये। हाँ। जो मास्टर आता है वहाँ ना। हाँ। वो लड़का पढ़े आना पढ़े अपना टंगरी डोलाते हैं मास्टर। हाँ। लड़का कहीं जाए कुछ कोई पता कोई पता नहीं होता है। तो अब रमेश शर्मा जी यही बता रहे हैं कि टीचर को पहले आते थे लोग पूछते थे, अब कोई नहीं कुछ पूछता। तो ऐसी स्थिति में मैं सरकार का, खासकर भारतीय जनता पार्टी या नीतीश जी का या नित्यानंद जी का, जो कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके तरफ अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के समाज में, खासकर जो 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 बहुत ही डाउन ट्रॉडन समाज हैं, एक्सप्लॉयटेशन इनका बहुत ज़्यादा हद तक होता है, इस तरह के लोगों के लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव जरूर, पर्सनलाइज इनिशिएटिव निकालना चाहिए। और मेरी यही आप सबसे गुजारिश होगी कि अगर आपके पास समय हो, टाइम मिले, तो कभी हमारे इस गांव में आइए, अपना श्रमदान दीजिए, इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट कीजिए और इनके भविष्य में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज लाने की जरूर कोशिश कीजिए। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, फिर मैं कभी जब अपने गाँव आऊँगा या किसी दूसरे गाँव में जाऊँगा तो आपको ऐसा ही एक रिपोर्ट फिर से आके लाके दूंगा, ताकि आपसे सहयोग मिल सके और आप इस पर सोच सकें कि क्या हम पढ़े लिखे लोग कभी समय दे पाएंगे इस जगह पे आके, क्या हम इनके साथ उठ बैठ पाएंगे, क्या हम इनको अपने मेन स्ट्रीम में इंक्लूड कर पाएंगे।